दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की आपकी न्यू फॉर्म आउट हो चुकी है। आइए देखते हैं कि आखिरकार इनमें क्या कुछ आपको एलिजिबिलिटी चाहिएगी, क्या आपकी लास्ट डेट है, क्या आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है और एग्ज़ाम पैटर्न में आखिरकार क्या कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, साथ ही साथ क्या आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ रवि और स्वागत है आप सभी का एजुकेशन अपायरसिंग यूट्यूब चैनल पर। तो बने मेरे साथ आज इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स को। तो देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन बिगिंस आपकी 2/8/2023 से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, फॉर्म फिल होने आपके 2 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 23/8/2023 जो है आपके लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने के लिए। बाकी आपकी जो लास्ट डेट है फीस के लिए वो भी 23/8/2023 ही है। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, वैसे कोशिश करना कि कोई भी मिस्टेक आपके फॉर्म को लेकर के ना हो, कोई भी आपकी मिस्टेक फॉर्म में ना हो, बट करेक्शन की डेट जो है वो 24 से 25 अगस्त के लिए जो है करेक्शन की डेट होती है। बाकी आपका जो CBT एग्ज़ाम है, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्ज़ाम होगा, वो अक्टूबर या नवंबर के महीने में होगा 2023 में, बट मान के चलो आपकी अक्टूबर में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बाकी स्किल टेस्ट के लिए आपका अभी तक कोई शेड्यूल यहाँ पर नहीं है। वहीं पर अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस है, साथ ही साथ SC ST के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं है, 0 रुपये फ़ीस है। ठीक है, ऑल कैटेगरीज फीमेल के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, यानी कि फ़ीमेल चाहे वो EWS से आती हो, OBC से आती हो, या फिर UR या फिर जनरल से आती हो, तो उनके लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं है। बाकी आप फ़ीस को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या ई चलान के माध्यम से भी फिल मतलब पे कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार एज लिमिट क्या कुछ है आपकी SSC स्टेनो के लिए। तो मिनिमम एज जो है 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 27 साल है ग्रुप डी के लिए, और ग्रुप सी के लिए आपकी जो है मैक्सिमम एज वो आपकी 30 साल है। बाकी एज रिलैक्सेशन जो कुछ है आपका वो SSC की जो भी है SSC के हिसाब से वो एज रिलैक्सेशन आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं टोटल पोस्ट की। तो टोटल जो है 1207 पोस्ट है, 1207 आपकी टोटल पोस्ट है, जिसमें से कि ग्रेड सी के लिए 93 पोस्ट है और ग्रेड डी के लिए 1114 पोस्ट है। वहीं पर ये बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी की, क्या आखिरकार आपकी क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए आपका, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप जो है 12th पास होने चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। स्टेनोग्राफ डी ट्रांसक्रिप्शन के लिए इंग्लिश में कम से कम आपको 50 मिनट्स WPM की टाइपिंग चाहिएगी और हिंदी में 65 की। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए इंग्लिश में 40 और हिंदी में 55 वर्ड पर मिनट की आपको टाइपिंग यहाँ पे चाहिएगी। ठीक है, तो यही कुछ था आपका जो है पोस्ट के लिए। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ बड़े बदलाव हुए हैं एग्ज़ाम पैटर्न में। तो देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न में जो आपके बड़े बदलाव हुए हैं वो हुए हैं भाई आपके किस चीज़ को लेकर के, निगेटिव मार्किंग को लेकर के आपके कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। जैसे कि निगेटिव मार्किंग पहले आपकी 1/4 की होती थी, बट अभी जो है निगेटिव मार्किंग 1/4 से 1/3 की कर दी गई है। ठीक है, तो ये कुछ एक आपका बड़ा बदलाव है SST स्टेनो 2023 में अब की बार, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, देन आप अपना ID प्रूफ रेडी रखना, ठीक है, फ़ोटोज़ अपने रेडी रखना, साथ ही साथ आप जो है अपना थंबप्रिंट रेडी रखना, सिग्नेचर रेडी रखना, और अगर आप SSC पर पहले से आपका कोई अकाउंट नहीं है, देन आपके 10th और 12th की मार्कशीट वगैरह भी आप अपनी रेडी रखना। ठीक है, तो ये कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे। ओके, अगर आपका पहले से अकाउंट है, देन आप सभी चीज़ों को आप पहले से ही जानते होंगे कि आपको क्या कुछ चीज़ें चाहिए होगी। तो यही थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन SSC स्टेनो के बारे में, SSC स्टेनो 2023 के बारे में। अगर आपको कोई और भी अभी डाउट बचता है, देन आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।